तो अगर आपको यहाँ पर पोस्टमैन दिख रहे, पोस्टमैन देख आप लोग क्या समझ में आ रही है, जैसे यहाँ पर आपको यही समझ में आता है कि पोस्टमैन होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट करता है। मैं से फर्स्ट ऑफ इसका काम पोस्ट ऑफिस में रहता है, पोस्ट ऑफिस जो भी कुरियर आएगा इस जगह से उस जगह वो पहुंचने का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक ऑर्डर मीन्स पुराने जमाने टाइप का जो कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है वो। मैं उसको हम बात करते हैं न्यू तरीके की, जो नया तरीका क्या है मीन्स मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता है कि आज के टाइम में आप जो बात कर रहे हो, आज में जो वीडियो लेक्चर आपके सामने चल रहा है, जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वो सब एक मॉडर्न कम्युनिकेशन जरिए जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, इंटरनेट इंटरनेट के जरिए आप आपका यहाँ पर काम चल रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पोस्टल सर्विस इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चार्टा बात है, चार्टा एक सबसे ज्यादा मेल सर्विस। ओके, ये मेल वर्ड सुनकर आपको एक चीज जो एक टॉपिक ईमेल आपका दिमाग में क्रिएट होगा वो होगा आपका ईमेल या फिर जीमेल। यस दोस्तों, मुझे पता है ये चीज आपके दिमाग में हुई रहेगी मेल सर्विस, इसके पहले आपने मेल सर्विस ये वर्ड नहीं सुना रहेगा। सेकंड चीज स्पेशलाइज्ड पोस्ट सर्विस, ठीक है, देन उसके बाद आता है मनी रेमिटेंस सर्विस, देन उसके बाद आता है रिटेल सर्विस। ओके, इसके चार टाइप्स आते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम डीपली स्टडी करेंगे इसके अंदर और क्या क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल सर्विस, मेल सर्विस में भी चार टाइप आते हैं। देखो अब ऐसा मुंह मत बनाओ कि यार अब चार टाइप पढ़ना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, कुछ नहीं यार पढ़ लेंगे, ठीक है पढ़ लेंगे। ठीक, मेल सर्विस, मेल सर्विस से पहले आता है इनलाइन लेटर। इनलाइन लेटर अब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश को लेटर लिखना। जैसे अगर आपकी बहन की शादी है, ओके, तो आपको अपने स्कूल में लेटर भेजना है, ठीक है, तो आप लेटर लिखोगे और स्कूल में भेज दोगे, तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह के आप लेटर भेजो, उसको बोलते हैं इनलाइन लेटर। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी जो प्रिंसिपल कॉल करके बोलने का हम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, ओके हो गया। ऐसे हम बात करते हैं एनवलप। यस दोस्तों, आपने एनवलप देखा रहेगा, एनवलप जो शादी में कार्ड के अंदर पैसे डाल के वो देते हैं उसको एनवलप कहते हैं। पहले के टाइम पे सैलरी से जब दी जाती है एम्प्लॉयज को, एनवलप के अंदर सैलरी डाल के दी जाती थी। उसके बाद कुछ हमें गिफ्ट देना हो, कैश प्राइज देना हो, उस एनवलप के अंदर कुछ कैश प्राइज देकर हमें उसको गिफ्ट देते थे। ओके, या फिर लेटर्स जब भी आते हैं, पहले के टाइम पे लेटर्स आते थे घर पर, तो लेटर भी एनवलप व्हाइट या फिर खाकी कलर के एनवलप में डालकर आया करता था। ठीक है, आपने देखे रहेंगे, तो वो सब चीज क्या है, एनवलप है। एनवलप पेन पर्पस क्या होता है, किसी लेटर को, किसी चीज को, पेपर चीज को उस छोटे से पेपर के अंदर डालकर हम पोस्ट के जरिए भेजते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एनवलप। बट आज के टाइम पे एनवलप बहुत बहुत कम काम आता है, बिकॉज ऑल चीज ऑल थ्रू हो गए, बिकॉज एनवलप बहुत कम आता है। देन उसके बाद बात करते हैं पार्सल के बारे में। या दोस्तों, आप कभी होटल में जाते रहोगे तो किसी चीज का पार्सल लेते रहोगे, तो पार्सल लेते हो तो इसका मतलब क्या, पार्सल जो गुड्स है, जो भी चीज आप कैरी करके घर लेके आते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हो, उसको आप उसका यूटिलाइज करते हो। ओके, पार्सल बनने में ऐसे ही आपको कुछ चीज कहाँ पर भेजनी है तो उस पार्सल के थ्रू आप भेज सकते हो। ओके, पहले इसी चलती थी, अभी भी चलती है, उसको बोलते हैं मेल सर्विस। ओके, बुक पोस्ट, फोर्थ आता है आपका बुक पोस्ट। अब बुक पोस्ट क्या है, बुक पोस्ट नाम से पता चलता है कि बुक पोस्ट मीन्स किसी बुक, मैगजीन, पोस्टर या फिर ऐसी जो बुक जितनी सिस्टम है, जो भी मटेरियल है, जो पोस्ट हम पोस्ट करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं बुक पोस्ट, सिंपल वर्ड्स। ओके, बुक पोस्ट, ठीक है। तो ये चार मेल सर्विस हमने देख लिया, उसको हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड पोस्ट सर्विस, स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस। अब इसके अंदर तीन टाइप आते हैं। देखो, उसको नाम देखकर स्पेशलाइज मीन कुछ तो स्पेशल है, जो मेल सर्विस अभी हम भेज रहे थे, बट एक स्पेशल पोस्टल सर्विस की बात करें, यहाँ पे कुछ तो स्पेशल भाई, यहाँ पे कुछ तो मिर्च मसाला है। अभी यहाँ पर क्या मिर्च मसाला है, देखो बिजनेस पोस्ट, सबसे पहला क्या है, बिजनेस पोस्ट। बिजनेस एक इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पर, अगर बिजनेस नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज बिजनेस चलता है, ठीक है, अब बिजनेस चलता है, लेकिन एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस से बात करनी है। आज के टाइम हम कॉलिंग के इंटरनेट के थ्रू बात करते थे, लेकिन पहले कॉलिंग और इंटरनेट नहीं था, कॉलिंग तो फिर भी था लेकिन इंटरनेट तो नहीं था। ठीक है, अगर इंटरनेट था भी लेकिन महंगा था, इससे बेस्ट हमें पोस्ट प्रोवाइडर था, तो पोस्ट यूज करते थे। अब पोस्ट यूज करते थे, उसका क्या यूज करते थे, जो बिजनेस के लिए जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि लेटर एविडेंस हो गया, बिल्स हो गया, देन एनी कंपनी का प्रूफ हो गया, कंपनी एड्रेस हो गया। कंपनी एड्रेस मतलब कंपनी का जगह का एड्रेस नहीं, कंपनी में ऑल ओवर क्या होता है उसका, उस चीज का एड्रेस को बोलते हैं कंपनी एड्रेस। ठीक है, अब कंपनी एड्रेस भेजा जाता है। अब ये क्या चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये खो गई या फिर किसी गलत के हाथ लग गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी यार। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए उसको स्पेशल तरीके से, काफी सेफ तरीके से पोस्ट किया जाता है, इसलिए इसको इसको इस टॉपिक में स्पेशल पोस्ट के अंदर डाला गया है। लॉजिस्टिक पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट मीन्स क्या, नॉर्मल अपने जो गुड्स हैं, सभी जो गुड्स होते हैं कंटेनर्स होते हैं उनको पोस्ट करना। अभी जो गुड्स होते हैं वो तो आपने रेल में जब यहाँ वहाँ जाते हो तो देखे रहेंगे, शिप्स यहाँ वहाँ कभी देखा रहेगा मूवीज में तो देखे रहेंगे, एरोप्लेन में भी जाते हैं। ओके, एंड रोडवे ट्रस्ट थ्रू जाते हैं। ठीक है, ये सब लॉजिस्टिक पोस्ट है, गुड्स के पोस्ट है, डे टू डे लाइफ अभी भी चलते हो सब चीज को। बाद में आता है बिल मेल सर्विस, बिल मेल सर्विस स्पेशली बिजनेस बिल मेल सर्विस है। ठीक है, स्पेशली बिजनेस के लिए ही यूज होता है,
ओके अब इसमें अंदर होता है क्या है कि बिल सर्विस को, बिल मेल सर्विस को पर्टिकुलर 90 डेज का, साल भर है पर्टिकुलर 90 डेज का एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में उस सर्विस को पूरी करनी होती है, इसको बोलते बिल मेल सर्विस। बस आज के टाइम पे ये नहीं चलता, ये चीज रिटायर हो चुकी है, कंप्लीट रिटायर हो चुकी है, बिकॉज आज के टाइम पे सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, बिल मेल सर्विस पर कौन जाएगा, इतना कौन पेपर वर्क करते बैठेगा। ओके पोस्टल सर्विस में, अब मैंने आपको पहले बोला कि दो टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, एक पोस्टल सर्विस होता है, एक मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। पोस्टल सर्विस मैक्स टू मैक्स पेपर यूज होते हैं, पेपर और जो देने के तरीके होते हैं वो पेपर वर्क में होते हैं, बट मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में कोई पेपर वर्क नहीं, यहाँ पे सब फ्रीली हम इन चीजों बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए पोस्टल सर्विस को मेन रिटायर कर दिया गया। देन हम थर्ड पॉइंट बात करें, थर्ड पॉइंट हम मनी रेमिटेंस सर्विस, मनी नहीं, ये वर्ड पता चलता है कि इसमें कुछ पैसे के लिए लेन देन है भाई, पैसे के लिए काम है आपको। तो सबसे पहले पॉइंट आते हैं यहाँ पर EMO, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। जैसे कि आज के टाइम में आप गूगल पे करते हो, अमेजोन पे यूज करते हो, ओके फोन पे यूज करते हो, तो वैसे ही थोड़े टाइम पहले ही इलेक्ट्रॉनिक EMO में इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इस तरह का वर्ड जो सिस्टम यूज किया जाता था। एक्चुअली पहले के टाइम पे बैंक थोड़े कम हुआ करते थे, बैंक की जगह लोग अपना पैसा सेविंग के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस में डालते थे, ओके पोस्ट ऑफिस में जमा रखते थे अपने पैसा, ओके जो इंटरेस्ट मिलता था उन्हें मिलता रहता था, वहां से लोग एक जगह से दूसरे ट्रांसफर कर देते, ओके इस चीज को बोलते थे। बट आज ये चीज थोड़ी रिटायर होगी एंड सारे पोस्ट ऑफिस बैंक के सिस्टम थोड़े बंद हो गए, क्योंकि बैंक अभी खुद बंद है, खुद प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक चालू हो रहे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंस्टेंट मनी, फटक से मनी भेजना, ठीक है, ये भी पोस्ट सर्विस के थ्रू हुआ जाता था, इसमें कोई अलग बात नहीं है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर मीन्स क्या, अब हर कंट्री का अलग अलग करेंसी होती है, हर कंट्री की करेंसी के भाव अलग होते हैं। जैसे कि हम इंडिया में तो हम रुपीज वापरते हैं, तो रुपीज का भाव एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर अलग है, एज कम्पेयर टू यान अलग है, ठीक है, तो ये सबसे हमारा भाव तो अलग है, ठीक है। तो इसमें भी मनी ट्रांसफर का काम कौन किया जाता था, पहले के टाइम पे पोस्ट सर्विस वाले करते थे, बट आज के टाइम पे सारा काम बैंक करती है। यहाँ पर भी ये चीज रिटायर हो चुकी है, मीन्स मनी रेमिटेंस जो सर्विस है ये कम्प्लीटली रिटायर हो चुकी है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। फोर्थ बात कर लेते हैं अभी यहाँ रिटेल सर्विस की, रिटेल ये वर्ड आपने पहले कब सुना है, यस दोस्तों 11th के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में आपने सुना रहेगा ये रिटेल वर्ड क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में सुना आपने तो, ठीक है ओसी के। अब इसमें दो टाइप ऐसे बन जाते हैं कि एक तो बन जाता है आपका रिटेल पोस्ट, देन बन जाता है आपका ई पोस्ट, ओके ये तो वन एंड द सेम जो आज के टाइम भी चलते यही चलते रिटेल पोस्ट ई पोस्ट, इसमें कुछ फर्क नहीं है, नॉर्मल गुड्स को पोस्ट करना होता है और कुछ भी नहीं है। ई पोस्ट मीन इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट, मीन्स आप ऑनलाइन तरीके से पोस्ट करते हो, वही बात होगी यहाँ पर भी, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा पोस्टल सर्विस है, ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा बोरिंग था, पुराने जमाने टाइप की थी, बट आपको यहाँ पर आगे यूज तो नहीं होगी, बट एक नॉलेज जरूर रखो, ठीक है, नॉलेज रखना कोई बुरी बात नहीं है। अब बात करते हैं आपका फेवरेट टॉपिक मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। खाली तीन टाइप है यार, बहुत ईजी, आप पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली बट देख लो क्या है, बस आप अपने आप इस चीज को याद कर लोगे। सबसे पहले आता है आपका इंटरनेट, क्या आता है इंटरनेट तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है यार, आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, आप उसका एडवांटेज जैसा जन खुद में बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आता है तो जरूर बता दीजिएगा, बहुत अच्छी बात होगी, आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगी एंड दूसरे को नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इंटरनेट आज के टाइम में यूज हो रहा है, बिकॉज आज मैं वीडियो लेक्चर यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, मीन्स क्या ये इंटरनेट के जरिए चल रहा है, एक कम्युनिकेशन बन रहा है हमारे बीच में, मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, मीन्स एक ये टाइप का कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही नहीं कि वीडियो के जरिए, मेल सर्विस आप ईमेल से यूज करते हो, व्हाट्सएप सोशल मीडिया यूज करते हो, ये सब क्या है, यस दोस्तों ये सब यही है, इंटरनेट कम्युनिकेशन है। उसको बात करते हैं ईमेल, ईमेल एक अलग बनाया गया, क्योंकि ईमेल एक टॉपिक अलग है, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है एंड ये ऑल वाइड वर्ल्ड वाइड चलता है, सबसे सेफ जगह ही है, मीन्स किसी भी कुछ मैसेज इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड करना एंड थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। व्हाट्सएप एक नॉर्मल है, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनलिज्म का काम चलता है, इसलिए मेल सर्विस को थोड़ा अलग रखा गया, ठीक है। तो बात कर लेते कुरियर की, अब थोड़ा कुरियर यहाँ पे अलग बना, बिकॉज कुरियर में आज के टाइम पे थोड़ा एडवांटेज किया गया है, थोड़ा एडवांस किया गया है, थोड़ा अलग लेवल पे लेके गए, क्योंकि पहले के टाइम पे जो कुरियर होता था सही जगह पहुंचता नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सही टाइम पे पहुंचता नहीं था एंड थोड़ा लेट पहुंचता था, बट आज के टाइम इसको इतना एडवांस कर दिया गया कि हमें जितने डेज बोलो आज पहुंचाने कल पहुंचाने तुरंत पहुंच जाएगा, इतना लेवल एडवांस कर दिया इस चीज को, ठीक है। अब कुरियर में आपने जैसे पोर्टर ये वर्ड सुना रहेगा, इसका एड्रेस सुना रहेगा एंड आप रोड पे कभी घूमते रहोगे तो यहाँ पर किसी टेम्पोस एंड ट्रक पर आपने पोर्टर ये वर्ड लिखा हुआ देखा हुआ सुना भी रहेगा, देखा भी रहेगा, ठीक है। ये पोर्टर क्या है, ये पोर्टर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन बुक करना, हमें ऑनलाइन बुक करना पड़ता है एंड जब हमारे घर पे आते हैं
ऑर्डर पार्सल लेके जाते हैं उस जगह को पहुंचा के आ जाते हैं कम से कम टाइम, एंड जो भी इनका फ्रीज चार्ज रहेगा वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं यूज किया तो कभी यूज करो, बहुत ही मजा चीज है। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप की कुरियर हमें अभी बनना चालू हो गए। इसी के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर सर इसमें आप कुछ भी समझा मुझे फटाफट कमेंट में बता दीजिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस मुझे अपने इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। प्लस चैनल पर नया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे लेक्चर एंड एजुकेशन अपडेट यहाँ पर आपको जरूर मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।